हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मिताज नर्सिंग एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है लॉग बुक फिलअप फॉर CHO ट्रेनिस। इस सब्जेक्ट का कोड है BNS 043। यहाँ टोटल 43 एक्टिविटीज़ है जो कि कंप्लीट प्रैक्टिकल केस है। इस बुक से 30 नंबर होते हैं जो प्रैक्टिकल मार्क के साथ काउंट किए जाते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का केस डेमोन्स्ट्रेशन किया है। मुझे जो भी केस मिला है मैंने वही फिलअप किया है। आप लोग सेम टू सेम ना लिखें, आप लोगों को जो भी केस मिले वैसे ही लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी वन देखिए, कम्युनिटी नीड असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। जितना भी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी विद डेट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर और पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कम्प्लीट लिखना है। अब नेक्स्ट, पहले सीरियल नंबर, फिर एरियाज और एक्टिविटीज़, मतलब कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है। आप लोगों को जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वही एंट्री करना है। यहाँ एक्टिविटीज़ ऑफ द टीम, सप्लाइज, हेल्थ इंडिकेटर्स, जैसे सब सेंटर विजिट करेंगे तो क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग यूटिलाइजेशन सर्विसेज, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स जैसे सेफ वाटर एक्सेसिबल है या नहीं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं, जो भी फाइंडिंग्स मिले एंट्री कीजिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी टू देखिए, हेल्थ असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ भी सेम है, फर्स्ट पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डाटा, देन पर्सनल हिस्ट्री, यहाँ हैबिट्स, डाइट, लाइफस्टाइल, हॉबीज एक्सेट्रा, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री, साइकोसोशल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में जो फाइंडिंग्स मिले एंट्री कीजिए। और नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, इंक्लूडिंग हेड टू टो एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एक्टिविटी थ्री, न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जो भी यहाँ पे हिस्ट्री लेके डेफिशिएंसीज मिलेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उनको अच्छे से असेसमेंट करके लिखना है। एक्टिविटी फोर, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग स्पेशल क्लिनिक्स। यहाँ कंप्लीट फॉर्मेट दिया हुआ है, पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा सेम है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, CHC में क्या करेंगे, PHC सब सेंटर में क्या क्या एक्टिविटी करेंगे विद वेरियस क्लिनिक्स, जैसे फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स, मेडिकल एंड चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक्स, एडोलेसेंट वेलनेस क्लिनिक, ओरल हेल्थ क्लिनिक्स, जो भी है आपको कंप्लीट फाइंडिंग्स लिखना है और विथ मैनेजमेंट। नेक्स्ट एक्टिविटी फाइव, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आउटब्रेक। यहाँ मैंने COVID-19 डिजीज़ के बारे में लिखा है। आप लोगों को जो भी आउटब्रेक डिजीज़ मिले वही लिखिए, विद डायग्नोसिस कंफर्मेशन, नंबर ऑफ केसेस, डाटा किसने एनालाइज किया, विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन, और कौन सा एज ग्रुप रिस्क में होता है, और फाइनली एक रिटर्न रिपोर्ट रेडी कीजिए। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ पेशेंट, देन हिस्ट्री टेकिंग एंड नेम ऑफ द डिजीज विथ साइन एंड सिम्टम्स जो भी प्रेजेंट होगा, और नेक्स्ट अदर कॉम्प्लिकेशन कुछ है कम्युनिकेबल डिजीज और कुछ भी है उनका सिम्टम्स लिखिए, जो फाइंडिंग फाइंड आउट करके एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना है वो सब कंप्लीट लिख लीजिए।
नेक्स्ट एक्टिविटी 7 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मैनेजमेंट करना है। यहाँ पहले रिस्क असेसमेंट करना है, उसके बाद प्रेजेंट पास्ट फैमिली हिस्ट्री लेके पूरा कंप्लीट पर्सनल हिस्ट्री लेना है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग, गुटखा, ये सब लेने के लिए क्या होता है, हार्ट डिजीज़ और कैंसर होने का रिस्क फैक्टर है। तो ये सब हमें अच्छे से हिस्ट्री लेना है, और कभी भी ऐसा मिले, लंप मिल जाता है, तो उन्हें आप कैसे अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करेंगे या रेफर करेंगे विथ हेल्थ एजुकेशन, आप लोगों को कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 8 देखिए, यहाँ सोशल मोबिलाइजेशन स्किल्स, मतलब कम्युनिटी में जो जो फाइंडिंग्स मिलते हैं, प्रॉब्लम, जो डिजीज़ देखा जाता है, उन्हीं के बारे में लिखना है। जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट कैसे करेंगे, मटेरियल क्या क्या चाहिए, सब प्रिपेयर करके लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 9 देखिए, यहाँ क्या है, हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को जो भी टॉपिक में आप हेल्थ एजुकेशन देंगे यहाँ लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 10 रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट, यहाँ पहले मैप ड्रॉ करना है, उसके बाद विलेज रजिस्टर, हाउसहोल्ड सर्वे रजिस्टर, एलिजिबल कपल रजिस्टर देखिए कैसे फिलअप करना है, फैमिली फोल्डर फिलअप करना है इंक्लूडिंग ऑल डिटेल्स ऑफ फैमिली, उसके बाद एंटीनेटल रिकॉर्ड, नेटल रिकॉर्ड, पोस्टनेटल रिकॉर्ड, कॉन्ट्रासेप्शन रजिस्टर, ये सब कंप्लीट आपको मेंटेन करना है विद चाइल्ड हेल्थ रजिस्टर, सब सेंटर या FRU क्लिनिक रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, इन्वेंटरी ऑफ वैक्सीन एंड ड्रग्स, मंथली स्टॉक पोजिशन, वैक्सीन रिसिप्ट फ्रॉम PHC, रेफरल रजिस्टर, लाइफ बर्थ रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, जितना भी रजिस्टर है सब कंप्लीट फिल करना है। एक्टिविटी 11 देखिए, यहाँ हैंड वॉशिंग स्किल्स, दो पेशेंट लेकर आप लोगों को हैंड वॉशिंग टेक्निक डेमोन्स्ट्रेशन करके उनका जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है कंप्लीट लिखिए, और उनको प्रैक्टिस करवाइए कि घर जाके वो करें और सबको अपने कम्युनिटी में सिखाए। एक्टिविटी 12 BMW मैनेजमेंट, यहाँ ब्लैक बैग्स, येलो बैग्स प्रॉपर है क्या नहीं, ये सब टिक कीजिए, ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन फ्रेश प्रिपेयर है या नहीं, नीडल डिस्ट्रॉयर है या नहीं, सिरिंज ग्लोब्स कहाँ डिस्पोज किया जाता है, अवेलेबल इसका क्वांटिटी में है या नहीं विथ अप्रोप्रिएट साइज, और फ्लोर हाइजीन, टॉयलेट क्लीनलीनेस मेंटेन किया है कि नहीं, आप लोगों को येस या नो में टिक करना है। एक्टिविटी 13 यहाँ कोई भी दो बेसिक टेस्ट प्रोसीजर करके कंप्लीट डिटेल्स फिल अप करना है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी टेस्ट विद किट, मलेरिया टेस्ट विद किट, यूरिन टेस्ट फॉर एल्बुमिन एंड शुगर एट्सेट्रा।
नेक्स्ट एक्टिविटी 14, ड्रग्स डिस्पेंसिंग एंड इंजेक्शंस। यहाँ पेशेंट को एग्जामिन करके जो भी सिम्टम्स और साइंस मिले एंट्री करना है, और ओरल और इंजेक्शन इंक्लूडिंग फ्लूइड्स जो भी देंगे इन्हें लिखना है मैनेजमेंट में। एक्टिविटी 15, यहाँ पेशेंट एग्जामिन करना है और लंप और जॉइंट पेन जो भी एग्जामिन करके फाइंडिंग्स मिले इन्हें लिखना है विथ मैनेजमेंट। नेक्स्ट एक्टिविटी 16, यहाँ पेशेंट का आई एग्जामिनेशन करना है और जो भी यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को जो भी फाइंडिंग्स मिले मैनेजमेंट क्या करेंगे विथ हेल्थ एजुकेशन लिखिए। एक्टिविटी 17, ENT असेसमेंट। एक पेशेंट जो ENT OPD में मिले उन्हें असेसमेंट कीजिए, उनका क्या क्या कंप्लेंट्स है उन्हें एंट्री कीजिए, और आपको क्या फाइंडिंग्स मिलता है वो भी लिखिए विद मैनेजमेंट। नेक्स्ट एक्टिविटी 18 देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स। एट फर्स्ट सेम आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ पेशेंट, देन असेसमेंट विथ हिस्ट्री टेकिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट। फाइंडिंग्स लिखिए विथ मैनेजमेंट, और रेफर करेंगे तो रेफरल नोट भी लिखना है। एक्टिविटी 19, सुचरिंग ऑफ सुपरफिशियल उंड। यहाँ प्रेजेंट पास्ट फैमिली हिस्ट्री लेके पेशेंट का उन्हें कैसे इंजरी हुआ है उनका असेसमेंट कीजिए, और फाइंडिंग्स विथ मैनेजमेंट या तो रेफरल क्या है तो उनका नोट अच्छे से लिखिए। एक्टिविटी 20, बेसिक लाइफ सपोर्ट। जब हम कोई भी सीरियस या अनकॉन्शियस पेशेंट अटेंड करते हैं तब उन्हें कभी ज़रूरी CPR प्रोसीजर जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट परफॉर्म करवाना होता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जो भी आप करें लिखना है। एक्टिविटी 21, यहाँ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसीज के बारे में बोला गया है, जैसे डॉग बाइट, पॉइजनिंग, स्नैक बाइट, माइनर इंजरी, बर्न्स एंड स्केल्स, RTA, ड्राउनिंग, सीजर। जो भी केस में से आप लोगों को केस मिले आप लोग वही केस लिखिए विथ फाइंडिंग्स एंड मैनेजमेंट। एक्टिविटी 22, एक्स एंड पेन। यहाँ भी पहले हिस्ट्री ले अच्छे से, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर एब्डोमिनल पेन रहता है तो साइट ऑफ पेन, ऑनसेट ऑफ पेन, कैरेक्टर ऑफ पेन, एसोसिएटेड सिम्टम्स, रिलीविंग सिम्टम्स, सीवियरिटी कितना सीवियर होता है, और इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और पल्पेशन में जो भी फाइंडिंग्स मिले उसे अच्छे से लिखिए। और अगर पेशेंट का चेस्ट पेन है, बैक पेन है, जो भी है आप लोग वैसे ही एंट्री कीजिए। एक्टिविटी 23, कॉमन फीवर्स। फीवर क्या होता है, ये एक सिम्टम है जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं। फीवर कोई बीमारी नहीं, ये एक बीमारी का लक्षण है। आपने जैसे भी पेशेंट मैनेज किया कंप्लीट डिटेल्स लिखिए। एक्टिविटी 24, यहाँ एल्डर पर्सन का हेल्थ प्रॉब्लम असेस करना है। जो प्रॉब्लम्स मिले येस या प्रेजेंट लिखे, नहीं मिले तो नो या एब्सेंट लिखिए, और प्रॉब्लम्स है तो कैसे मैनेज किया है कंप्लीट डिटेल्स में अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट एक्टिविटी 25, हेल्थ असेसमेंट ऑफ वोमेन। जो वोमेन 15 से 45 ईयर्स तक हैं उनको असेस करके कुछ प्रॉब्लम मिले तो उन्हें लिखिए।
यहाँ भी सेम केस है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का असेसमेंट करके लंप डिटेक्ट होता है तो उन्हें कहाँ रेफ़र करेंगे या क्या क्या एडवाइसेस देंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट एक्टिविटी 26 देखिए, असेसमेंट एंड केयर ऑफ एंटीनेटल वुमेन। यहाँ भी सेम, पहले हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद कंप्लेंट्स, देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या फाइंडिंग्स मिले, सेकंड में क्या मिले और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या मिले, कंप्लीट असेसमेंट डिटेल्स लिखना है। यहाँ प्रेग्नेंट मदर का कंप्लीट असेसमेंट करना है, हिस्ट्री लीजिए। एक्टिविटी 27 मॉनिटरिंग लेबर एंड मेंटेनिंग पार्टोग्राफ। यहाँ प्री डिलीवरी प्रिपरेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम क्राइटेरिया कैसा कैसा होता है वो सब लिखना है। डिलीवरी होने के टाइम में लेबर रूम कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में भी लिखना है और पार्टोग्राफ मेंटेन करना है। एक्टिविटी 28 कंडक्टिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन हम कब परफॉर्म करते हैं, जब भी लेबर का प्रोग्रेस हमें जानने के लिए होता है तब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं। एक्टिविटी 29 कंडक्टिंग एपिसियोटोमी। जब सेकेंड स्टेज में एपिसियोटोमी दिया जाता है उसका पूरा प्रोसीजर लिखना है, विथ एपिसियोटोमी टाइप एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। एक्टिविटी 30 केयर ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ लेबर। यहाँ भी पहले सेम आइडेंटिफिकेशन डाटा फिलअप कीजिए, उसके बाद पेशेंट का प्रोफाइल लिखिए और चार जो स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, यहाँ पे आपने मम्मी को क्या केयर दिया और बच्चे के लिए क्या केयर फाइंडिंग्स, कंप्लीट फाइंडिंग्स लिखना है। आपने क्या केयर दिया है मदर को और बच्चे को कंप्लीट लिखना है और मैनेज कैसे किया है या तो रेफ़र किया है तो उसका भी डिटेल्स लिखिए। एक्टिविटी 31 पोस्टपार्टम केयर। यहाँ भी सेम हिस्ट्री टेकिंग ऑफ मदर। एक्टिविटी 32 आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर। यहाँ लेबर के टाइम में क्या कॉम्प्लिकेशन मिले उन्हें अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट एक्टिविटी 34 इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ IUD। IUCD कैसे देना है या तो रिमूव करना है उनके बारे में लिखना है। यहाँ आप लोग अच्छे से डिटेल्स में लिखिए, कौन से टाइप का IUCD दिया, कितने दिन के लिए दिया, क्या क्या स्टेप फॉलो किया, उसके बाद मैनेज कैसे किया और पोस्ट विजिट में कैसे आने के लिए बोलेंगे, वो सब आपको एडवाइसेस में लिखना है। एक्टिविटी 35 मैनेजमेंट ऑफ एबॉर्शन एंड काउंसिलिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी 36 एडोलेसेंट काउंसिलिंग। यहाँ अच्छे से पेशेंट का हिस्ट्री लीजिए, लेके एप्रोप्रिएट एज पर कंप्लेंट मैनेज कीजिए या तो रेफ़र कीजिए। एक्टिविटी 37 रिसेसिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न। यहाँ बच्चे का आइडेंटिफिकेशन लिखने के बाद गाइडलाइन दिया हुआ है, फाइंडिंग्स में ओनली आपको क्या क्या मिले वो लिखिए विथ मैनेजमेंट और रेफरल। नेक्स्ट एक्टिविटी 38 देखिए, असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न चाइल्ड कैसे असेस किया जाता है, पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा, उसके बाद असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज, प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है या टर्म बेबी है, फाइंडिंग्स में लिखिए। फॉर्मेट अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग जस्ट फॉलो कीजिए। एक्टिविटी 39 कंगारू मदर केयर। एक्टिविटी 40 इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। यहाँ भी आइडेंटिफिकेशन डाटा फिलअप करने के बाद अच्छे से हिस्ट्री लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 41 प्रमोटिंग एंड मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लॉटिंग ग्रोथ चार्ट। न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट और टोडलर या तो 5 ईयर्स एंड एबोव, जैसे फाइंडिंग्स मिले आप जो भी बच्चे को एसेस कीजिए वैसे ही डेवलपमेंट माइलस्टोन में और मैनेजमेंट में लिखिए। एक्टिविटी 42 इम्यूनाइजेशन एंड सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। यहाँ मुझे 0 डोज का बच्चा मिला था तो मैंने वही बच्चे का हिस्ट्री लिया और फाइंडिंग्स में जो जो वैक्सीन दिए गए हैं वो फाइंडिंग्स में मैंने लिखा है। ये देखिए आज का लास्ट एक्टिविटी 43 यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स।
इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं। मैंने यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और रेडिएंट वार्मर के बारे में लिखा है। यहाँ पे भी आप पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखिए, उसके बाद टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड, इंडिकेशंस, आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ वेरियस इक्विपमेंट यूज्ड, ये सभी लिखना है। ये था आज का वीडियो कंप्लीट लॉग बुक फिलअप के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।